हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और पार्ट योजना के साथ आपके पास आए हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको पार्ट योजना का शुरुआत करना है, तो आपको यहाँ पे पार्ट योजना ऊपर लिखना है। उसके बाद आपको कक्षा, विषय, विद्यालय, फिर दूसरे साइड में दिनांक, अवधि, कालांश, ये सब लिखना है। ये क्लास 10 के लिए जीव विज्ञान का ये लेसन प्लान है। इसका प्रकरण जो है वो पादपों में आंतरिक परिवहन। आपको सामान्य उद्देश्य लिख देना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ विशिष्ट उद्देश्य दिया हुआ है, कैसे इसमें शिक्षण बिंदु लिखना है, फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, फिर क्या आप उसको मेथड, टेक्निक और क्या एड मटेरियल का यूज़ करके बच्चे को क्लास में पढ़ा गए हैं वो सब आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चा का यहाँ पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज क्या है, बच्चा उस टॉपिक के बारे में जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में पहले से क्या जानता है। और उसके बाद हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न, आपको जो भी आज टॉपिक पढ़ाना है, आप पहले बच्चा के किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता होगा, तो आपको 2-3 क्वेश्चंस पूछ के आपको अपना प्रकरण निकलवाना रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 कॉलम बना हुआ है, पुपिल टीचर एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी, मतलब टीचर क्या क्वेश्चन पूछेगा और फिर बच्चा उसका क्या जवाब दे रहा है, इस तरह से आपको कॉलम बनाना होगा। नेक्स्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 से 3 प्रश्न, आपका तीसरा प्रश्न समस्यात्मक आएगा, तो उसके बाद आपको बच्चे को एक्सप्लेन करना है वो टॉपिक। उसके बाद आपका उद्देश्य कथन आएगा कि आज हम पादपों में आंतरिक परिवहन का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप प्रस्तुतिकरण करेंगे, प्रेजेंटेशन। आपको इस तरह से 5 कॉलम बना लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आपका आएगा शिक्षण बिंदु आएगा, फिर छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया आएगा, फिर छात्र क्रिया आएगा, फिर विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री और फिर उसके बगल में श्यामपट्ट सारांश आएगा। इसमें आपको शिक्षण बिंदु में आप कौन सा आज 2-3 टॉपिक कौन सा आप डील करने वाले हैं, इसको आप इधर लिखते जाइएगा कि हाँ हम जैसे पादपों में जल का परिवहन ये स्टार्ट कर रहे हैं आप। उसके बाद आपको छात्र अध्यापिका क्रिया में आपको 1-2 क्वेश्चन आप उससे पूरी रिलेटेड पूछ सकते हैं, और उसके बाद आप अगर बच्चा नहीं बता पाएगा तो आप उस चीज़ को फिर एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद उसके बगल में आप छात्र क्रिया यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे ने क्या उत्तर दिया और फिर उसके बाद वो उत्तर नहीं दे पाया, वो उसके लिए समस्यात्मक हो गया। और ये भी आप लिख सकते हैं कि छात्र जो है, छात्र छात्राएं वो ध्यानपूर्वक सभी बातों को सुनकर अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं। उसके बाद आप कौन सा मेथड वगैरह या कौन सा प्रविधि, विधि जो भी यूज़ कर रहे हैं उसका आपको बगल में लिख देना है नेक्स्ट कॉलम में। उसके बाद आप जो भी ब्लैक बोर्ड में, जैसे बायोलॉजी है, ये जीव विज्ञान है, तो इसमें तो आप बहुत कुछ डायग्राम वगैरह बना के बता सकते हैं, तो जो भी आपका डायग्राम होगा वो आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में आप यहाँ पे बनाना होगा आपको। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से आप जो 5 कॉलम है उसको बनाएंगे आपके अपनी कॉपी में, और इस तरह से यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा यहाँ शिक्षण बिंदु है कि पौधों में जल तथा खनिजों का स्थानांतरण, किस तरह से ट्रांसलोकेशन होता है वाटर और मिनरल्स का प्लांट में, वो टॉपिक यहाँ चल रहा है। उससे रिलेटेड यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश ब्लैक बोर्ड वर्क में यहाँ पे डायग्राम भी ड्रा किया हुआ है। आपको इसी तरह से फ्रेंड्स अपना लेसन प्लान को बनाना है। और नेक्स्ट में हम अंत जब करेंगे तो आपको यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न पूछना है, 2 से 3 इवैल्यूएशन क्वेश्चंस। उसके बाद आप फिल इन द ब्लैंक्स या फिर कुछ भी आपको लगे कि हाँ आपको ये चेक करना है कि आपने जो टॉपिक पढ़ाया वो बच्चों को कितना समझ में आया नहीं आया, तो आप इवैल्यूएशन क्वेश्चंस पूछ के देखेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया है। फिर उसके बाद आप लास्ट में होमवर्क दे के अपना जो पाठ योजना है उसको ख़त्म करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी टॉपिक में, कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको चाहिए हो लेसन प्लान तो आप कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू।